आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे और वो भी ट्रेडिशनल और बहुत ही आसान तरीके से और वो भी कम घी में। तो चलिए हलवा बनाते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम के टुकड़े, काजू के टुकड़े, एक कटोरी चीनी, 3 से 4 इलायची उसको कवर के साथ ऐसे कूट कर लिया है और 1 चम्मच घी। और मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर को ऐसे घिस कर लिया है। तो चलिए सभी चीज़ें तैयार हैं, अब गाजर का हलवा बनाते हैं। तो कढ़ाई में डालते हैं सबसे पहले घी और इसमें डाल देंगे बादाम और काजू के टुकड़े। काजू बादाम को हल्का सा भून लेंगे। तो काजू बादाम भून के हो जाने के बाद अब डालेंगे इसमें गाजर। तो पूरा गाजर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मिक्स करेंगे अच्छे से और मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे 1.5 ग्लास दूध। दूध और गाजर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे 5 से 6 मिनट तक। और अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो मिक्स करेंगे अच्छे से और ढक्कन ढककर 10 मिनट पका लेंगे। तो देखिए 8 से 10 मिनट के बाद हम इसमें इलायची डालेंगे, फिर से मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से और मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे इसे फिर से। बीच बीच में मिक्स करेंगे ताकि नीचे ना चिपके। तो देखिए गाजर का हलवा तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और बिल्कुल 1 चम्मच घी में जूसी हलवा बनकर तैयार है। अब इसे सर्व करते हैं। तो आप भी बनाएं इस तरीके से गाजर का हलवा। काजू बादाम के साथ आप इसे गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए आप ये गाजर का हलवा ज़रूर ट्राई कीजिए।